तो आज की वीडियो में मैं आपको लेजर सेंसर के बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि लेजर सेंसर हमारा कैसे काम करता है। और आज की वीडियो में मेरे पास एक स्पेशल किट भी है जिसको मैं यूज करूंगा आपको लेजर सेंसर का कंसेप्ट समझाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन भी समझाऊंगा कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है एक लेजर सेंसर की, एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। और इस वीडियो में आपको वायरिंग भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस सेंसर को वायर कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के लिए। लेजर सेंसर को समझने से पहले हम पहले इस किट को समझते हैं। ये किट हमारे ऑप्टिक्स में यूज होती है एजुकेशन पर्पस के लिए, और मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या मेजरली पार्ट्स होते हैं। इस किट के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, आप देख सकते हैं, एक ग्लास स्लैब भी होता है, इसमें एक मिरर भी होता है, इसमें एक बॉक्स भी, आप ये देख सकते हैं कि एक साइड से हमारा ये ट्रांसपेरेंट है और एक साइड से हमारी व्हाइट कलर की कोटिंग हुई हुई है। इसमें एक फिल्म होती है, एक डार्क कलर की फिल्म है इसमें। इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी है, आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें कॉनकेव लेंस भी है, ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है। और इसमें हमारा एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर भी है, ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव मिरर। और इसमें कुछ छोटे छोटे टारगेट्स हैं हमारे। और मेन पार्ट है ये लेजर बीम, आप देख सकते हैं तीन लेजर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं तीन, ये हमारे तीन लेजर है। तो जैसे हम ऑन करते हैं हमारे तीनों लेजर ट्रांसमीटर हमारे ऑन हो जाते हैं। बट इसमें एक यूनिक चीज है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें यूनिक चीज ये है कि जो हमारा लेजर ट्रांसमीटर है ये हमारा एक डॉट नहीं फेंकता एक सिंपल लेजर का, ये एक लाइन ट्रांसमिट करता है। आप ध्यान से देखो जो हमारी लेजर जो ट्रांसमिट हो रही है वो एक लाइन की तरह ट्रांसमिट हो रही है, रादर देन जैसे आपने देखा होगा लेजर बीम में सिर्फ एक डॉट या फिर एक रे पास होती है। बट ये ट्रांसमीटर इस तरह से लाइन को प्रोजेक्ट करता है कि वो एक कंप्लीट आपको लाइन दिख पाती है इस ट्रांसमीटर में। ये अलग तरह की लेजर ट्रांसमीटर है, पर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। एजुकेशनल पर्पस के लिए जैसे हम इस लेजर ट्रांसमीटर को यूज करते हैं और जैसे हम इसको वॉल पे रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको तीन स्ट्रेट लाइंस दिख रही है। आप ये चीज समझ सकते हो कि एक कंप्लीट लाइन फेंक रहा था, और अब उस डॉट को ना फेंक कर आप पूरा पाथ को ट्रेस कर सकते हो कि लेजर लाइट हमारी कैसे ट्रांसमिट हो रही है। और जैसे ही पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइट बेंड होती है और हमें कंप्लीट उसका पाथ विजिबल हो पाता है। और लेजर सेंसर में हमारा एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर साइड पे हमारा एक लेजर डायोड लगा होता है और रिसीवर साइड पे हमारा एक लेजर रिसीवर लगा होता है। तो होता क्या है, जैसे हमारा लेजर ट्रांसमीटर लाइट को ट्रांसमिट करता है और ये जैसे किसी ओपेक टारगेट से टकराती है तो हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, जिसका मतलब होता है लाइट हमारी अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। और जो हमारा लेजर रिसीवर होता है वो क्या करता है, जब उसके पास कुछ परसेंट ऑफ लाइट वो रिसीव कर पाता है तो सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। और यही होता है हमारा डिफ्यूज लेजर टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर में, इसलिए इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है इस केस में। और अगर आप कोई आप ग्लास स्लैब को लगाओगे जैसे आप इस केस में देख सकते हो, तो हमारी सारी लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू पास हो जाता है और रिसीवर हमारा लाइट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो कुछ लाइट उस पर हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस ही नहीं आई। इसलिए होगा क्या, जब वो ग्लास स्लैब उसके सामने आएगा सेंसर के सामने, तो 90% केस में सेंसर उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। 10% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ग्लास स्लैब के ऊपर भी कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स या फिर हमारे कुछ पार्टिकल्स आके जम जाते हैं, कोई फिल्म लगी हो सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकती है कि सेंसर उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। पर 90% केसेस या मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में हम ऐसे टारगेट यूज करते हैं जो हमारा एक ओपेक टारगेट होता है, जो सेंसर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर पाए और जिससे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो पाए और सेंसर हमें आउटपुट दे पाए। लेजर सेंसर का मेन फीचर ये है कि हम इसको यूज कर सकते हैं एक ऐसे टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए जिसका साइज बहुत छोटा है, या फिर हम पॉइंट सेंसिंग में लेजर सेंसर को यूज करते हैं। लेजर सेंसर हाईली एक्यूरेट होते हैं और हाईली प्रिसाइज सेंसर होते हैं। पर जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन में देखोगे जहां पे हमारा एक छोटा सा नट बोल्ट या फिर हमारे कोई आईसी हो गई या फिर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, ये सेंसर उसको डिटेक्ट कर सकता है। लेजर सेंसर के और भी फीचर्स है, जैसे ये जो सेंसर है हमारा कॉम्पैक्ट सेंसर है, एक छोटी सी डाई में हमारा लेजर सेंसर आ जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसको हम फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे और भी एप्लीकेशन है जहां पे हमें कलर अगर हमारा वेरी करता है ज्यादा, तो सेंसर हमारा जो सेंसिंग रेंज है वो ज्यादा वेरी नहीं करती डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द टारगेट। इंफ्रारेड सेंसर में हमारी जो सेंसिंग रेंज है वो ज्यादा वेरी कर जाती है, बट जब हम लेजर सेंसर यूज करते हैं तो अगर हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर भी आता है तो हमारी जो सेंसिंग रेंज है वो ज्यादा वेरी नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप सेंसर को यूज करोगे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जहां पे हमारे अलग अलग कलर के टारगेट आते हैं। लेजर सेंसर का एक और एडवांटेज ये होता है कि जब भी आप सेंसर को सेट करोगे तो जो उसकी रेड लाइट है वो बहुत हेल्पफुल होती है सेंसर को एग्जैक्ट
एग्जैक्टली कहां पे सेट करना है। बहुत डिफिकल्टी आप लोग फेस करेंगे जब आप एक इंफ्रारेड सेंसर को यूज करेंगे एक कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन में। बट एक लेजर सेंसर की खास बात यही है, जो उसका रेड कलर का डॉट होता है आप उसको यूज कर सकते हो सेंसर को एग्जैक्टली सेट करने के लिए। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इसको कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन में यूज करोगे। इस लेजर सेंसिंग टेक्नोलॉजी को आप अलग अलग एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे कर्टेन सेंसर होते हैं, ये हमारे कर्टेन सेंसर होते हैं, और जैसे इनके बीच से कोई हमारा टारगेट पास होता है तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें अलग अलग रेज को हम यूज करते हैं, मल्टीपल एरेज होती है इसमें, जो हमारा एक लेजर ट्रांसमीटर होता है और एक होता है हमारा रिसीवर। और इसको हम यूजुअली यूज करते हैं सेफ्टी में, कि कन्वेयर बेल्ट के साथ में इसको लगाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और हम एम्प्लॉय या फिर वर्कर की सेफ्टी के लिए हम इस सेंसर का यूज करते हैं, जिसको हम सेफ्टी कर्टन सेंसर भी कहते हैं। और दूसरा वे ऑफ सेंसिंग होता है हमारा लेजर थ्रू बीम सेंसर। और उसमें क्या होता है, हमारा एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर हमारा एक रेड लाइट लेजर बीम फेंकता है और रिसीवर उसको डिटेक्ट कर लेता है। और जैसे अब कोई टारगेट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस रे को, तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है और सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। वो एक पीएनपी टाइप आउटपुट हो सकता है या फिर एक एनपीएन टाइप आउटपुट हो सकता है। तीसरा मेथड ऑफ सेंसिंग होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप लेजर सेंसर, जिसमें क्या होता है, हमारा सेंसर लगा होता है एक साइड पे और एक हमारा रिफ्लेक्टर लगा होता है, और जैसे इसके बीच में से कोई टारगेट पास होता है तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है और सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। आपको ये समझना जरूरी है कि थ्रू बीम में आपको ज्यादा रेंज मिलेगी एज कंपेयर टू रेट्रो रिफ्लेक्टिव। और जो चौथा मेथड है वो होता है हमारा डिफ्यूज टाइप लेजर सेंसर। और ये जो सेंसर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक डिफ्यूज टाइप लेजर सेंसर है, और इसमें आपको रेंज मिलती है कम से कम आधे मीटर तक, और ये रेंज सबसे कम है एज कम्पेयर टू हमारी थ्रू बीम रेट्रो रिफ्लेक्टिव। आपको सबसे मिनिमम रेंज मिलेगी एक डिफ्यूज टाइप लेजर सेंसर में। और इसमें यही होता है कि एक साइड पे हमारा ट्रांसमीटर लगा होता है और एक साइड पे रिसीवर लगा होता है। जैसे कोई भी टारगेट आता है इसके सामने तो हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है और फिर ये लाइट डिटेक्ट कर लेते हैं हमारा लेजर का रिसीवर और सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। आज मेरे पास जो सेंसर है वो एक लेजर टाइप डिफ्यूज प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है सेंसर की वो होती है हमारी 10 से लेके 30 वोल्ट डीसी, मतलब आप 12 वोल्ट डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो, 24 वोल्ट डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो। इस सेंसर की आउटपुट हमारी एनपीएन टाइप आउटपुट होती है, और इस सेंसर का डायमीटर होता है हमारा 18 mm। ये सेंसर का डायमीटर है, और इसमें आपको जो सेंसिंग रेंज मिलती है मैक्सिमम वो आपको 500 mm तक मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको आधे मीटर तक सेंसिंग रेंज मिलती है, और वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सेंसर के पीछे एक पोर्ट लगा होता है, आप उससे एडजस्ट कर सकते हो। इस सेंसर की जो आउटपुट है वो एक NO टाइप आउटपुट है। तो सेंसर जो हमारा बनता है वो हमारा एक NPN NO सेंसर बन जाता है, जो हमारा एक नॉर्मली ओपन आउटपुट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे टारगेट आएगा सेंसर के सामने तो सेंसर हमें तब आउटपुट देगा। इस सेंसर की वायरिंग समझने के लिए ये समझो कि सेंसर में हमारी तीन वायर होती है, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। ब्राउन पे आपको सप्लाई कनेक्ट करनी है पॉजिटिव वोल्टेज, और ब्लू पे आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है। और होगा क्या, जो भी आप वोल्टेज दोगे वही सेम आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। जैसे आप 12 वोल्ट डीसी जैसे इनपुट दोगे तो आउटपुट में भी आपको 12 वोल्ट डीसी ही मिलेगी। अब मेन बात आती है कि जो इसकी जो ब्लैक वायर है, जो इसकी आउटपुट वायर है, ये एक हमारा एक एनपीएन टाइप सेंसर है, जिसमें क्या होता है अगर आपको लोड को कनेक्ट करना है तो आपको लोड का जो एक नेगेटिव टर्मिनल होएगा उसको आपको ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करना है, और लोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल होएगा उसको आपको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और इसके थ्रू आप अपना लोड को ऑपरेट कर सकते हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रेटिंग का जरूर ध्यान रखना कि मैक्सिमम लोड आप ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते सेंसर के आउटपुट में, इसलिए फिर रिले को ऑपरेट करना और रिले के बाद अपने हैवी लोड या फिर कॉन्टैक्टर के थ्रू एक लोड को ऑपरेट करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन लिखना इस कमेंट सेक्शन में, जहां पे आपको सेंसर को यूज करना है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा सेंसर यूज करेंगे, और मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँ, जिससे हम सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप उसका सोल्यूशन दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में तो आप भी दे सकते हैं, जिससे हम सब इस कम्युनिटी को ग्रो कर पाएं और हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बढ़ा पाएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।